assalamu alaikum students hope you all will be fine today our topic is elements or factors or you can say components of communication as we have discussed process of communication in our previous lecture today's our topic is elements or factors or components of communication students if you have any problem in any subject like you can say zoology botany physics or chemistry or if you need any notes on any specific topic you can comment me in the comment section and there is also my whatsapp group link in the description box you can join the you can join my whatsapp group and message me there so students basically there are six elements or factors or Components of communication. Our first component is context, second is encoder or sender, third is message, fourth is medium or channel, fifth is decoder or receiver, and the sixth is feedback or response. Here we have six elements of communication. We discuss our first element that is context. Students, basically, context is the situation or you can say any circumstances so we can say that context or the circumstances that surround a particular piece of communication context play a very important role in how a message is encoded and decoded context play a very important context is basically a very important part how message is encoded and decoded the same message can have completely different meaning depending on the situation and situations are includes culture, country cultural organization internal and external stimuli so every country every culture and every organization or company has its own conventions for processing information सो so स्टूडेंट्स जो कॉन्टेक्स्ट है वो बेसिकली क्या है एक ऐसी जो आप कह लें कि एक ऐसी जो जो है आपके पास से एक ऐसा जो है वो सरकमस्टांसिज़ हैं जिनके सराउंड आपकी पर्टिकुलर पीस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो रिवॉल्व करती है तो अब कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कोडिंग एंड डिकोडिंग में बिकॉज एवरी कंट्री हैज़ इट्स कल्चर ऑर्गेनाइजेशन हर कंट्री के अपने कल्चरल हैं हर कंपनी uh, की अपने डिफरेंट रूल्स हैं तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन को ट्रांसफ़र करने में सो स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन में या आप कह लें मैसेज को जो है वो सेंड करने में मैसेज को ट्रांसफर करने में जो कम्युनिक जो कॉन्टेक्सट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब कॉन्टेक्स में हम दो डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे डेट इज एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड इंटरनल स्टिमुलाई स्टूडेंट्स फर्स्ट वी डिस्कस वट आर द एक्सटर्नल स्टिमुलाई स्टिमुलाई इज द प्लूरल ऑफ स्टिमुलस विच मीन्स प्रॉम्प्ट सो स्टूडेंट्स प्रोम मीनस फौरी तौर पर स्टिमुलाई क्या है एक प्रूर है स्टिमूल का जिसका मीनिंग है फौरी तौर पर अब देखिए एक्सटर्नल स्टिमुलाई में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई में भी लेटर मेमो नोट इलेक्ट्रॉनिक मेल फ्लैक्स इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए टेलीफोन कॉल्स आ मीटिंग और इवन आ कैजल कन्वर्सेशन ये सारे किस में इंक्लूड हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई में सो so, स्टूडेंट्स अब एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो हम पढ़ रहे हैं अब इसका जो आगे से रिस्पांस है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ इंटरनल स्टिमुलाई स्टूडेंट्स ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई अब देखिए इंटरनल स्टिमुलाई क्या है द इंटरनल स्टिमुलस है वेरी कंप्लेक्स इन्फ्लुएंस ऑन हाउ अ पर्सन सेंडर और रिसीवर ट्रांसलेट्स आइडियाज इन अ मैसेज वेन अ पर्सन इन कोर्स हिज ओन

सेज को ट्रांसलेट करेगा अब वो डिपेंड करता है उसके ओन पॉइंट ऑफ व्यू पे उसके लैंग्वेज पे उसके चॉइसेस पे ओपिनियंस पे उसके इमोशंस पे या पास्ट एक्सपीरियंस पे तो ये सारे किस्में आते हैं इंटरनल स्टिमुलाई में नेक्स्ट आगे okay, हम अपने कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं डैट इज इनकोडर और सेंडर सो so स्टूडेंट्स हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं वट इज़ सेंडर कम्युनिकेशन बिगिनस ही किससे होती है सेंडर से वो पर्सन जो मैसेज को सेंड करेगा डैट इज कॉल सेंडर या फिर इनकोडर ही मे बी आर राइटर और अ स्पीकर डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपका मैसेज रिटर्न है या फिर ओरल है इसलिए जो इनकोडर है या सेंडर है वो राइटर भी हो सकता है स्पीकर भी हो सकता है अब इस इसके बाद देखें जो रोल ऑफ सेंडर है वो इंपॉर्टेंट है वो किस तरह के वो ट्राइज करता है वो कोशिश करेगा कि वैसे सिम्बल्स को चूज़ करें यूजली वर्ड्स को जो एक्सप्रेस कर सकें उसके मैसेज को करेक्टली सो डैट रिसीवर में अंडरस्टैंड इट अब उसने ऐसा क्यों करना है ताकि रिसीवर उस मैसेज को ईजिल अंडरस्टैंड कर सके और रिएक्ट करे अकॉर्डिंग टू हिज डिज़ायर जैसी उसकी ख्वाइश है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंडर टू इनकोड हिज मैसेज प्रॉपरली क्रेक्टली क्लियरली एंड कम्प्लीटली टू अचीव द डिज़ायर्ड फीडबैक अब यह किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंडर की मैसेज को अच्छे से इनकोड करे प्रॉपरली क्रेक्टली क्लियरली और कम्प्लीटली ताकि उसको जिस तरह का वो फीडबैक चाहता है सेंडर उसी तरह का उसको फीडबैक मिले इसके बाद नेक्स्ट आगे देखें हाँ आपने कोई भी जो है वेक वर्ड्स या आइडियाज़ यूज़ नहीं करने जो किसको लीड करें मिस अंडरस्टैंडिंग को इसके बाद नेक्स्ट आगे देखें इट इज़ द सेंडर हु हैज़ टू डिसाइड विच वर्ड्स एंड वट सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन विल कम्युनिकेट हिज मैसेज इन द बेस्ट वे वो कहते हैं ये सेंडर ही है जो डिसाइड करता है कि कौन से वर्ड्स उसके मैसेज को अच्छे से जो है बेस्ट वे में कम्युनिकेट करेंगे एंड विच ऑफ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विल सर्व हिज पर्पज़ और उसने कौन सा मीडियम कम्युनिकेशन का रखना है जो उसके पर्पज़ के लिए सूटेबल होगा तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम आगे डिस्कस करते हैं वट इज़ मैसेज अब नेक्स्ट आगे देखें व्हाट इज मैसेज मैसेज क्या है वो आइडिया या फीलिंग है जिसको सेंडर ने ट्रांसमिट करना है किसको रिसीवर को ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो सके इसके बाद नेक्स्ट आगे देखें इट मेक्स अ कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज नो मैसेज कैन अचीव इट्स पर्पज ऑन लेस इफ है यूनिटी ऑफ थाट कंसिस्टेंसी इन एक्सप्रेशन एंड एम्फोसिस ऑन द मेन पॉइंट वो कहते हैं कोई भी मैसेज तब तक अपना पर्पज अचीव नहीं करेगा जब तक उसके जो आपके आइडियाज हैं उनमें यूनिटी ना हो कंसिस्टेंसी ना हो और उसके बाद आप जो है मेन पॉइंट अगर एम्फरसाइज नहीं करेंगे तो आपका मैसेज जो है वो अपने आप, आपका पर्पज़ जो आप चाहते हैं आप, आपके अपने आपके मैसेज का वो आपको अचीव नहीं होगा नेक्स्ट आगे देखिए अब मैसेज वर्बल भी हो सकता है रिटर्न भी हो सकता है सेंडर मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट हिज मैसेज एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट कॉन्टेंट्स इन इट अब देखिए जब तक सेंडर अपने मैसेज के बारे में क्लियर नहीं होगा वट ही वांट्स वट ही और शी वांट्स टू कम्युनिकेट कि वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता है या चाहती है तब तक, तक तक उसका अगर उसको अपने मैसेज के बारे में जो है वो क्लियर नहीं होगा तो उसको उसका डिजायर्ड फीडबैक नहीं मिलेगा द मैसेज शुड बी वेरी क्लियर सो डेट रिसीवर में अंडरस्टैंड इट अब आपका मैसेज इतना क्लियर होना चाहिए कि receiver उसको easily understand कर सके। मैसेज को इस तरह करना है कि वो रिसीवर को समझा सके अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं पे सेमिनार में जा रही हैं कहीं आपने मीटिंग करनी है तो अब डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस पे आपके जो है आप कुलग्स पे कि अगर आप मीटिंग में जा रहे हैं तो अगर आपके कलिग्स जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को बेटरली वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो आपने इंग्लिश में जो है उनके साथ मीटिंग करनी है और इसी तरह आपने देखना है कि आपके जो ऑडियंस है आपके जो लिसनर्स हैं अगर उनको उनको वो ज़्यादा अच्छे से उर्दू को अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर आपने अपना लेक्चर उर्दू में ही डिलीवर करना है तो आपने जो अपने मैसेज की लैंग्वेज है वो भी किसके अकॉर्डिंग रखनी है रिसीवर्स के अकॉर्डिंग अपनी ऑडियंस अकॉर्डिंग ही मस्ट प्लान द मैसेज केयरफुली सो डेट सम ऑफ इलिवेंट डिटेल्स में नॉट क्लीप इन टू द मैसेज आपने मैसेज को क्लियरली प्लान करना है ताकि उस मैसेज कोई भी इनरेलीवेंट जो डिटेल्स हैं आप उनको वहां से रिमूव कर दें वहां से आप उसको उमिट कर दें तो स्टूडेंट्स इस बुक में बहुत ही इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन किया गया है इसमें कोई भी मुश्किल वर्डिंग नहीं आप इन पैराग्राफ को अच्छे से याद कर सकते हैं इन लाइन्स को आप पॉइंट्स की फॉर्म में जो है इनको अपने माइंड में आप अच्छे से बिठा लें ताकि अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप उसको प्रॉपरली अच्छे वे से आप उसको अटैम्प्ट कर सकें इस क्वेश्चन को इस बुक में बहुत ही ईजी वर्डिंग में एक्सप्लेन किया गया है हर एक टॉपिक को ताकि आपको ये इतनी ईजी वर्डिंग है कि आपको पेपर में याद रहेगी और इजीली आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकेंगे इसमें बहुत से आपको शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हमने डिटेल से डिस्कस किया कॉन्टेक्स को इंटरनल स्टेमुलर्स की को इनको को मैसेज को, को तो आप इजीली जो है पेपर में इस लॉन्ग क्वेश्चन को लिख सकते हैं अगर इसमें से कोई शॉर्ट भी आएंगे तो आप इजीली उनको अटैम्प्ट कर लेंगे अब नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मीडियम और चैनल द स्टूडेंट्स अब कम्युनिकेशन जो है वो किसी जो है मीडियम के थ्रू ही होगी और जिस वो कम्युनिकेशन क्या है कम्युनिकेशन मीडियम और चैनल क्या है एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने मैसेज को कन्वे करते हैं अब इसमें देखें कन्वर्सेशन लेटर भी हो सकते हैं क्या आप लेटर के थ्रू इन्फॉर्मेशन को जो है अपने मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं टेलीफोन कॉल भी हो सकती हैं रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम भी अब सेंटर ने चूज़ करना है चैनल को जो उसकी कम्युनिकेशन के प्रोसेस को सूट करता है अब डिपेंड करता है कि मीडियम या चैनल किस तरह का होगा तो देखें वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कम्युनिकेशन जो किस पे जो कम्युनिकेशन पर्पज़ को सूट करे नीड्स ऑफ द मैसेज एंड द नीड्स ऑफ द रिसीवर आपने इन तीनों चीज़ों को माइंड में रख के फिर ही अपने मीडियम को या चैनल को जो है वो आपने सेलेक्ट करना है नेक्स्ट आगे देखिए द चॉइस ऑफ द चैनल इन फैक्ट डिपेंड पे करती है नेचर ऑफ द मैसेज पे और रिलेशनशिप क्या है सेंडर का और रिसीवर का अगर आपने कोई अर्जेंट मैसेज डिलीवर करना है तो आपका फिर क्या होगा रिटर्न या फिर स्पोकन मीडियम भी आप अपना चैनल रख सकते हैं अब जो रिटर्न मीडियम है उसमें यूजली क्या है प्रेफ़र करते हैं अब हम रिटर्न मीडियम को प्रेफर कब करते हैं जब आपका मैसेज लॉन्ग हो टेक्निकल हो या फिर फॉर्मल इन नेचर हो तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे देखें एंड व्हेन द मैसेज मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड तो इसमें आप क्या यूज़ करेंगे फिर रिटर्न कम्युनिकेशन को अब देखिए ओरल मीडियम इफेक्टिव है जब आपका मैसेज अर्जेंट है या फिर पर्सनल या इमीडिएट फीडबैक आपको चाहिए तो उसके लिए फिर आप क्या यूज़ करेंगे ओरल मीडियम अब ये दो पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है या आपने ध्यान से सुनने हैं देखें अब आपको शॉर्ट भी आ सकता है कि रिटर्न मीडिया में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं तो देखिए रिटर्न मीडिया यूज्ड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अब आपने अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रिटर्न मीडिया यूज़ करना है तो उसमें देखिए आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं मेमोस को रिपोर्ट्स को इम्प्लाये मैनुअल्स को इलेक्ट्रॉनिक को बुलेटिन बोर्ड्स को इवन जो इंटरनल फैक्स होती हैं पॉलिसी स्टेटमेंट्स को कंपनी मैगजीन्स को अब देखें ओरल कम्युनिकेशन जो है वो किस फॉर्म में होती है स्टाफ मीटिंग में रिपोर्ट्स में या फिर फेस टू फेस डिस्कशन में प्रेजेंटेशन में ऑडियो टेप्स में टेलीफोन चैट्स में इसके बाद देखें टेलीकॉन्फ्रेंस में या फिर वीडियो टेप्स में अब नेक्स्ट आगे देखें एक्सटर्नल रिटर्न कम्युनिकेशन मीडिया क्या है अब आपने अगर जो है ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आपने किसी को अपनी जो है अपनी कंपनी से बाहर किसी के साथ कम्युनिकेशन करनी है और वो रिटर्न होनी चाहिए तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं लेटर रिपोर्ट्स टेलीग्राम इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए केबल ग्राम्स को मेल ग्राम को फैक्सिस को पोस्ट कार्ड को इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए कैटलॉग्स को न्यूज़ रिलीज को एंड सर्कुलर्स को अब सर्कुलर्स देखें क्या है सम टाइम जब आप जाते हैं तो आपको वो बाहर जाएँ तो आपको किसी पेज के वो पेज आपको पकड़ाते हैं जिस पेज पर पे सारी किसी अगर आप कोई कंपनी न्यू कंपनी खुली है कोई न्यू किसी जो है वो किसी शॉप कोई न्यू ओपन हुई है तो वो आपको जो है पकड़ाते हैं उस पेज को तो उसको आप क्या कहते हो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो उनके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो रही है तो वो किस में आते हैं सर्कुलर्स में नेक्स्ट आगे देखें अ पर्सन कम्युनिकेट ओरली ओरली अब, औरली। अब औरली कैसे करते हैं फेस टू फेस दिसकस्ट, दिसकस्ट को कैसे टेलीफोन से टेलीफोन कॉल से स्पीक टू ग्रुप से लाइव में टेलीफोन टेलीकॉन्फ्रेंस से वीडियो कॉन्फ्रेंस से या फिर टेलीविजन से तो स्टूडेंट्स होप सो आपको समझ आ गई होगी कि मीडियम या फिर चैनल क्या है ये बहुत ही ईजी वर्डिंग है इस बुक में आपको बहुत ही ईजी वर्डिंग में हर चीज को उन्होंने डिटेल के साथ जो है वो एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट आगे देखें क्या है वट इज डिकोडर और रिसीवर अब देखिए स्टूडेंट्स रिसीवर क्या है रिसीवर वो है जिसने अब मैसेज को जो है वो रिसीव करना है उसको हम क्या कहते हैं लिसनर भी आप इसको कह सकते हैं डैट इज कॉल डिकोडर उसको आप कहते हैं वो क्या कहते हैं वो सेंडर है या क्या है डिकोडर है वैन अ मैसेज जब मैसेज रिसीव्ड हो गया है तो रिसीवर क्या करेगा आप अपने उसने अपने हिसाब से अब जो है वो असाइन करना है सर्टन मीनिंग किसको मैसेज को दिस इज कॉल डिकोडिंग इस मैथड को आप क्या कहते हो डिकोडिंग या आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है डिफाइन डिकोडिंग अब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिकोडिंग ऑफ द मैसेज को बहुत ही इंपॉर्टेंट

तो स्टूडेंट्स देखें जो प्रॉब्लम है इट प्रॉब्लम इज डैट वी डू नॉट ऑल अंडर गो आइडेंटिकल एक्सपीरियंस विद द सब्जेक्ट और द सिम्बल्स डेट सेंडर हैड चूजन देर फॉर रिसीवर एक्सपीरियंस विल आल्सो अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ़ डिकोडिंग रिसीवर का एक्सपीरियंस भी इफेक्ट करता है डिकोडिंग की क्वालिटी को सिमिलरली रिसीवर्स का एटीट्यूड उसकी फीलिंग्स इफेक्ट करती हैं कि वो किस तरह मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा या फिर मिसअंडरस्टैंड करेगा इसलिए मिसकम्यूनिकेशन कब अक्कर होती है जब आपका कोई पर्सनल बायोस हो आपका जो है वो किसके साथ सेंडर के साथ इसके बाद नेक्स्ट आगे देखें

बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके फीडबैक के बगैर आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव थी या नहीं थे तो फीडबैक जो है वो इंसेंशियल पार्ट है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन का आपको पॉजिटिव फीडबैक भी आता है और नेगेटिव फीडबैक भी आ सकता है इट इज द रिसीवर्स रिस्पांस अब ये रिसीवर्स का रिस्पांस है सेंडर्स के मैसेज को फीडबैक जो है वो प्रोवाइड करता है कंटिन्यूटी इन द कम्युनिकेशन अब देखें कैसे ज़रूरी नहीं स्टूडेंट्स कि आपको हमेशा फ़ीडबैक जो है कम्युनिकेशन के बाद ही मिले यानी कि आपने अपना मैसेज ट्रांसफर कर दिया तो उसके बाद आपको फीडबैक मिले नो no. हम मैंने आपको अपने प्रीवियस पिछले जो हमने डिस्कस किए थे कम्युनिकेशन जिसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम डिफरेंट पोस्टर्स के थ्रू डिफरेंट गेस्टचर्स के थ्रू जैसे हम थम अप करते हैं जैसे हम गुड का साइन देते हैं तो उससे ये इंडिकेट होता है कि हमें जो आपके मैसेज की समझ आ रही है तो इस तरह जो कम्युनिक जो सेंडर है वो उसको मोटिवेट होता है और अपने मैसेज को अच्छे तरीके से कन्वे करता है तो इस तरह जो फीडबैक है वो कम्युनिकेशन में क्या करता है कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है वो इंडिकेट करता है इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग को या फिर मिस अंडरस्टैंडिंग को इट आल्सो स्टिमुलेट्स फर्दर कम्युनिकेशन एंड डिस्कशन तो देखिए अगर आप पॉजिटिव फीडबैक दोगे ड्यूरिंग कम्युनिकेशन भी आप डिफरेंट गेस्टर्स के थ्रू बता सकते हो कि आपको समझ अच्छी आ रही है आपके पोस्टर से आपके बॉडी एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि आपको समझ आ रही है या फिर नहीं तो इस तरह आप फर्दर कम्युनिकेशन और डिस्कशन को इन्हांस करोगे स्टिमुलेट करोगे इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए अब आपका फीडबैक भी ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है इसके बाद स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट आगे देखिए सेंडर नीड फीडबैक टू तो डिटरमाइन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द कम्युनिकेशन अब सेंडर को फीडबैक क्यों चाहिए होता है डिटरमाइन करने के लिए कि उसका कितनी सक्सेस हुई है कम्युनिकेशन तो so स्टूडेंट्स ये एग्जांपल है इस एग्जांपल को आपने याद नहीं करना है। ये जस्ट वैसे ही है आप इसको एक दफ़ा समझ लें इन द वर्क प्लेस मोस्ट पीपल कम्युनिकेट फेस टू फेस विद देयर लीडर्स सुपरवाइजर्स एंड कुलग्स सो द एबिलिटी टू प्रोवाइड अप्रोपरीट फीडबैक एंड असिस्ट द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस के देखिए इसमें वो कहते हैं जब आप अपने कुलीग्स से सुपरवाइजर से लीडर से तो आपको अप्रोप्रेट फीडबैक मिलता है तो वो क्या असिस्ट करता है कि आपकी इफेक्टिव वर्किंग होगी अब आपका रिलेशनशिप ज़्यादा बढ़ेगा आपके कुलीग के साथ और आपके बिजनेस में क्या आएगी प्रोडक्टिविटी आपका बिज़नेस ज़्यादा एनहैंस होगा तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था होप फी कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़